हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज की ये वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्या लिखा है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू करके ये मैट्रिक्स है, तो शो दैट कि एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। अब क्या है इधर की ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है जो कि कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो, साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन। तो मैं क्या करूँगा कि एफ ऑफ एक्स तो ये है ही, तो सेम वैसे ही एफ ऑफ वाई बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है सिर्फ कि आपको एक्स की जगह पे वाई लगाना है क्योंकि ये फंक्शन है वाई का। तो कॉस एक्स था इधर तो मैंने यहाँ पे कॉस वाई कर दिया, साइन एक्स था तो साइन वाई माइनस साइन वाई जीरो जीरो वन जीरो जीरो। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये साइन एक्स का साइन वाई हो गया, कॉस एक्स का कॉस वाई, क्योंकि ये एफ ऑफ एक्स है तो ये एफ ऑफ वाई ऐसा बनेगा। सिमिलरली देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई भी क्या बनेगा कि जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स प्लस वाई जीरो, साइन एक्स प्लस वाई कॉस एक्स प्लस वाई जीरो, ये जीरो जीरो वन। अब जो ये प्रूव करना है तो इसके लिए पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं, और वही क्या होनी चाहिए, ये जो है वो हमारी राइट हैंड साइड है, तो इसको मैं राइट हैंड साइड बोल भी सकता हूँ। ये राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर दे तो एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू, मतलब कि ये दोनों ही मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। मल्टीप्लीकेशन बहुत ही सिंपल है, मैंने बताया था वैसे ही, 3x3 के दोनों ही मैट्रिक्स है, तो ये 3x3, 3x3, इसकी नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज सेम है, तो आंसर भी 3x3 का ही मिलेगा। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या बताया है कि पहले मैट्रिक्स की रो दूसरे मैट्रिक्स की कॉलम, तो ये कॉस एक्स मल्टीप्लाई कॉस वाई प्लस मतलब माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाई साइन वाई प्लस जीरो मल्टीप्लाई जीरो। तो ये हो गया पहला, सेम ऐसे ही कॉस एक्स माइनस साइन वाई, मतलब ये माइनस रहेगा आगे, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई, तो साइन एक्स इंटू इधर कॉस वाई आएगा, माइनस साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस जीरो। फिर ये जीरो का किसी के भी साथ मल्टीप्लाई कर दो, ये जीरो ही रहने वाला है। सेम ऐसे ही दूसरी कॉलम है, साइन एक्स कॉस वाई साइन एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू साइन वाई प्लस जीरो इंटू जीरो। फिर साइन एक्स साइन वाई ये रहा, कॉस एक्स कॉस वाई ये रहा, और ये जीरो। फिर ये जीरो ही है तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो के साथ सब मल्टीप्लिकेशन है तो जीरो जीरो, और ये वन वाला जो है वो लास्ट में वन मिलेगा आपको। कैसे आया वो देख सकते हैं आप, ये जीरो क्रॉस जीरो प्लस जीरो क्रॉस जीरो प्लस वन क्रॉस वन मतलब वन। ओके, तो ये देख लो ध्यान से, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। फिर इसमें से माइनस साइन अगर बाहर निकाल दो तो ये मिल जाएगा आपको साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला। फिर ये जीरो, फिर ये साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई प्लस जीरो, मतलब ये साइन एक्स प्लस वाई की फॉर्मूला। माइनस साइन इसमें से कॉमन निकालेंगे अगर, या तो इसको पहले ऑब्जर्व करो, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई की वैल्यू है जीरो, फिर ये जीरो जीरो वन। तो ये आपको जो मिला है वो राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर कर सकते हो आप ये दोनों। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, क्या बोला है कि शो दैट करके दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इधर इज नॉट इक्वल टू, उन दोनों को ऑर्डर सिर्फ चेंज किया, पहले यहाँ पे ये है और बाद में ये है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, ये मैट्रिक्स पहले है और ये बाद में है। तो देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर निकालते हैं, फिर राइट हैंड साइड का आंसर निकालते हैं, देखते हैं सेम आता है कि नहीं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आप देख सकते हो कि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन अगेन 3x3, ये भी 3x3, नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो सेम है, तो फाइनल आंसर आपको ऐसे मिलेगा, इसकी रो और इसकी कॉलम, मतलब कि 1x-1, 2x0, 3x2, एडिशन यहाँ पे 1x1 प्लस 2x-1 प्लस 3x3, यहाँ पे 1x0, 2x1, 3x4, 0x-1, 1x-1, सॉरी 1x0, 0x2,
जीरो क्रॉस वन, वन क्रॉस माइनस वन, जीरो क्रॉस थ्री। सेम ऐसे ही जीरो क्रॉस जीरो, वन क्रॉस वन ये रहा, जीरो क्रॉस फोर ये रहा, वन क्रॉस माइनस वन, वन क्रॉस जीरो, जीरो क्रॉस टू, वन क्रॉस वन, वन क्रॉस माइनस वन, जीरो क्रॉस थ्री, वन क्रॉस जीरो, वन क्रॉस वन, जीरो क्रॉस फोर। अब एडिशन कर दो तो ये आपको मिल जाएगा माइनस वन प्लस जीरो प्लस फाइव, मतलब कि माइनस वन प्लस सिक्स फाइव हो जाएगा, ये वन माइनस टू प्लस नाइन एट हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो प्लस टू प्लस ट्वेल्व दैट इज़ फोर्टीन, जीरो 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 ये हो गया जीरो, जीरो माइनस वन जीरो, तो माइनस वन इधर, जीरो सॉरी जीरो वन जीरो, वन माइनस वन प्लस जीरो प्लस जीरो, तो माइनस वन, वन माइनस वन प्लस जीरो जीरो, जीरो प्लस वन प्लस जीरो तो वन। अब ये आपका जो मिला है वो इसको हम रिजल्ट वन बोलते हैं। सेम ऐसे ही आपको क्या करना है कि इन दोनों का भी आंसर फाइंड करना है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी है। सिमिलरली आप इसका भी आंसर फाइंड कर सकते हो, ये मल्टीप्लिकेशन भी सेम वैसे ही किया है रो और कॉलम के वाइज, मतलब इसकी रो और ये तीनों कॉलम एक बार, फिर ये रो के साथ तीनों कॉलम, ऐसे करके जैसे ऊपर बताया था वैसे आप स्लो मोशन में इसको देख खुद से कर लो, फिर यहाँ पे आंसर वेरीफाई कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री, वन जीरो जीरो, सिक्स इलेवन सिक्स। अब रिजल्ट वन और टू को कंपेयर करो, तो आपका आप बोल सकते हो कि रिजल्ट वन एंड टू के ऊपर से हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।